अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आ चुके हैं हम एक और न्यू गेम प्ले के साथ। तो काफ़ी मज़े का गेम प्ले है। इसमें थोड़ी बैड लक होती है कि चिकन तो नहीं मिलता, लेकिन काफ़ी मज़े की जो है ना यहाँ पे हमारी फाइट होती है। अरबी भाई होते हैं, उनके उनका अरबी वाला झंडा होता है, पता नहीं पाकिस्तानी है या अरबी है, मिक्स लोबी आई हुई होती है ना। तो वो शुरू में तो हमें मार देता है, उसने कैंप किया हुआ होता है, वो शुरू में तो हमें डाउन कर देता है। फिर हम उसे चैलेंज देते हैं, और चैलेंज देने के बाद दोनों बार हम उसके पूरे स्क्वाड को जो है ना डाउन करते हैं। तो काफ़ी मज़े का गेम प्ले है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। लास्ट दो वीडियो पे कोई मतलब इतना खास, पहली वाली वीडियो भी इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आता था, लेकिन वो इतना था कि यार चलो थोड़ा बहुत बंदे को जो है ना गुजारा हो जाता था। लेकिन जो आखिरी दो वीडियो है ना उन पर तो बिल्कुल ही कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो काइंडली यार इस बार जो है ना इस वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आती है। तो इवेंट पे जा रहे होते हैं, जैसे कि आपको पता ही है इवेंट चल रहा है, न्यू अपडेट के बाद 2.4 की अपडेट चल रही है, और अपडेट मज़े की है भी और नहीं भी है। इसमें जो स्पाइडर ने दिया हुआ है वो कभी कभार जो है ना सही तरह से काम नहीं करता, मतलब जिस तरह पहले वाला था उस तरह का ये काम नहीं करता। तो उस वजह से काफ़ी बार मैं भी मर चुका हूँ। लेकिन चले आप गेम की तरफ चलते हैं। लैंड होता हूँ मैं इवेंट के ऊपर ना, यहाँ इवेंट पर जब लैंड होता हूँ तो मुझे यहाँ पे बेटर बंदे उतरे हुए होते हैं, लेकिन जब कवर में चला जाता है ऊपर आके मुझे यहाँ पे जो है ना ऊपर आके मुझे यहाँ पे एस्कार ऑयल मिलती है। एस्कार ऑयल उठा दो तो बैक साइड पे साउंड मुझे आता है कि बंदा एक जो है ना भाग रहा है वापस की तरफ, खाली हाथ होता है वो। इसके बाद गन होती है, इसको मैं डाउन कर दूँ। अब इसका टीम मेट सामने वाली साइड से आएगा, वो पत्थर वाली साइड से। यहाँ पे एक डाउन मैंने किया हुआ, अब दो मैंने डाउन कर दिए, मुझे दो डाउन कर दिए, मुझे लगा यहाँ पे दो ही हैं। अब तीसरा वही है जो कैंप है, ये सारी मिक्स लोबी है, वो अच्छा बोले उसके पास गने ग्रेड है, लेकिन वो यहाँ पत्थर पे कैंप करके बैठा हुआ है। यहाँ मैं मूली वगैरह फेंकता हूँ कि यार फिनिश हो जाए, कि नॉक पड़ा हो तो उसका किल कन्फर्म करता हूँ। अब मुझे आइडिया नहीं है यहाँ पत्थर पर कोई और बंदा है, मैं वैसे ही इतफाकन जा रहा हूँ कि यार शायद इसका कोई और। जैसे मैं टीम में भी डाउन कर रहा था, मुझे लगा ये वाला स्क्वाड जो है ना ख़त्म हो गया है, गेम में मुझे कोई आइडिया नहीं हो रहा था। तो मैं जैसे ही आगे की तरफ ना नीचे से होकर रश अपना किल कन्फर्म करने जाता हूँ, तो ये बी जैक भाई जो है ना ग्लेशियर वाले निकलते हैं। इनकी पूरी जो है ना इनके पास दो तीन गन ग्रेड है, तो मतलब इनका प्लेन में नाम भी आया था। तो ये मुझे मारते हैं, मैं इनको रिकॉल होते वक्त इनको चैलेंज दे देता हूँ, और ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, मैं क्रैप ग्रास लैंड करता हूँ, वहीं पे लूट वगैरह करता हूँ, और वहीं पे हमारा पूरा जोन जो है ना ख़त्म हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे लूट करके बैठा हुआ हूँ, इस साइड यहाँ पे जो है ना बांग्लादेशी स्क्वाड आ जाता है। एक सामने साइड पे वॉल पे बैठा हुआ था, वो नेट मेरे पे कुक करता है, मैं भागता हूँ साथ ही, मुझे पीछे दूसरे बंदे का साउंड आ जाता है। मैं यहाँ पर लो कर देता हूँ, मुझे पता है लो है, और हील करने से पहले इस पर मैं रश कर देता हूँ। वो भाई ट्राई कर रहे थे, लेकिन मेरी काम आ जाती है, मैं इसको नो कन्फेम कर, उसका टीम मेट मुझे जो है ना मारने आ रहा है, 1 HP पे हूँ, वो मेरे पीछे आ रहा होता है। अगर मैं यहाँ पे ये वाली अक्ल ना इस्तेमाल करता है, मूली ना फेंकता, तो मुझे इजीली आगे डाउन कर सकता था। मैं मूली फेंक के अपने आप को हील का टाइम देता हूँ। ये जिसका नाम चाह रहा है, देखें एके एम ग्लेशियर भी भाई के पास काफ़ी खर्चे वाला ब्लैक भाई है ना। यहाँ पे मैं हील वगैरह करता हूँ, और टीम इनको कॉल दे देता हूँ कि यार मेरे नीचे बंदा है तो आप इधर आओ, साथ में फाइट लेते हैं ना। ना वो रश कर रहा होता है ना कुछ, और वो शायद अपने टीम मेट का वेट कर रहा होता है कि टीम मेट आए तो साथ में रश करें ना। तो मैं भी अपने टीम मेट का वेट कर रहा हूँ, इतनी देर हील वगैरह कर रहा था कि टीम मेट आए तो मैं भी इजीली, क्योंकि रिकॉल का ऑप्शन होता नहीं है, तो मैंने दूसरे जो दूसरा स्क्वाड है उससे फाइट लेनी होती है, तो इसलिए मैं भी जो है ना होल्ड करके खेल रहा हूँ काफ़ी। यहाँ मैं भी इसको वेट करता हूँ कि ये मेरे ऊपर रश करे, तो वो मेरा वेट कर रहा था कि मैं रश करूँ। इतनी देर में वो फायर देता हूँ, नीचे उतर के इसको फिनिश कर देता हूँ। 3 किल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो जाते हैं। यहाँ पे मेरा टीममेट भी यहाँ पे पहुँच जाता है। अब मेरा टीममेट यहाँ पे आ जाता है तो मैं हम जो है ना यहीं पे वेट कर रहे हैं, इसी एरिया में ना क्रैप ग्रास में। सामने से फिर ये वही बंदे जिनकी सब हमारी अभी फाइट हो रही थी, रिकॉल होकर फिर से आ जाते हैं। मैं नेट फेंकने लगा तो ये बंदा रश कर देता है, डाउन करते हैं। ये वही वो ड्रॉप शॉट दे के मारा था, ये वही फिर कॉल हो गया था, 4 किल हो जाते हैं मेरे। अब इसके और टीममेट भी हैं जो कि वो सामने वाले घर पे हैं, एक पत्थर पे है पीछे और एक घर पे है। मैं इनका एंगल बनाने के लिए यहाँ आता हूँ, लेकिन अच्छा खेल होते हैं बंदा साफ लगता। मैं भी उसको बदले में थोड़ी सी फायदा दे के अपनी लोकेशन चेंज करता हूँ, क्योंकि एक को पता होता है वो सारे फ्रेम लेके बैठ जाते हैं।
यहाँ पे मूली नेट्स भी आ रहे होते हैं, तो मैं जो है ना दूसरी साइड पे निकल जाता हूँ कि यार मूली नेट्स की फाइट जो है ना बहुत गंदी है, बिना बंदा लड़े ही मर जाता है। तो मैं साथ वाले घर, कोने वाले घर नहीं, कॉर्नर वाला, वो बिल्कुल उसमें चला जाता हूँ कि यार वहाँ से जैसे अभी ये रिफ्लेक्स चेक करना आप। यहाँ ये बंदा मुझे 1 HP भी करता है, ऐसे कैसे भजन भजन कैम करके बैठे हुए थे फुल, लेकिन बांग्लादेशी भाई को मैं जो ड्रॉप शॉट देके यहाँ भी डाउन करता हूँ, और 5 किलर अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना हमारे हो जाते हैं। ये वाला अगर आपको 1 HP का के नॉक पसंद आया हो तो लाजमी ठोक देना। अब यहाँ मैं ड्रॉप पे उतरने लगता हूँ तो ये देखे कैंपर, ये पहले भी इसे कैम किया हुआ था, अभी भी ये कैम करके बैठा हुआ है। ये वो ये बी लैग जिसे मैं चैलेंज देकर आया हूँ, उसने मुझे यहाँ पर डाउन किया 1 HP और मेरे ऊपर रश कर रहा है। मैं 1 HP तब मैं हील करने हील करता हूँ उसको, यहाँ से फ्री फायर देता हूँ। फ्री फायर देने का मकसद ये है कि उसको हेड लग गया था, वो लो हो जाता काफ़ी, इसलिए वो रश नहीं करता। मैं ऊपर जाता हूँ, मुझे साउंड आ जाता है कि यार वो भी नीचे हीलिंग कर रहा है। यहाँ मैं नॉक करता हूँ यहाँ पे, तो फिनिश करता हूँ अपना किल, मेरा जो चैलेंज कंप्लीट हो जाता है। कैंपर के बच्चे को मैं डाउन करता हूँ। यहाँ इसका दूसरा कैंपर का बच्चा है, इसको भी मैं जो ईशा जी को भी मैं यहाँ पे जो है ना डाउन करता हूँ। पता नहीं अब इसका टीममेट है, दूसरे का टीममेट है, इसको भी मैं डाउन करता हूँ। 7 किलो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो बैठा होता हूँ, ये बंदा फिर से आ जाता है, इसको भी मैं डाउन करता हूँ। अपग्रेड वाले को रिकॉल हो गया तो उसको मेरा टीममेट फिर से नो गन फिनिश कर देता है। दूसरी बार भी ये मर गया। अब इसके जो और टीममेट है ना जिनको हमने डाउन किया था, वो ये अपना वेरियर स्पिर भाई, मेरे टीममेट का नॉक होता है। अब इसके जिसको डाउन किया ये फिर से रिकॉल होके आएगा सामने, ये सामने वॉल पे आता है, वो सामने वाली छोटी वॉल पे। टीममेट मेरा मार्क देता है कि ये फिर से रिकॉल होके आया वॉल पे। अब ये एक नहीं है क्योंकि रिकॉल हो गया है, तो जाहिर बात है इसके टीममेट ने इसको रिकॉल किया होगा। मैं एक नेट फेंकता हूँ वो नहीं पड़ता, दूसरा नेट जो है ना मैं एग्जैक्ट उसकी लोकेशन पे फेंकता हूँ कि जहाँ वो खड़ा हो सकता है, टीपीपी ले सकता है। यहाँ मैं उसको नेट फेंकता हूँ और जाके सीधा उसके कच्चे पे डज बॉम्ब फटता है, ब्लास्ट होता है और वो जो है ना नोक हो जाता है। अब इसका लास्ट बंदा है, ये वही स्क्वाड गया है अपग्रेड वाले भी लैक वाले, ठीक है। यहाँ मैं इसका वेट कर रहा था, लेकिन इसका बैक एक टीममेट जो है ना बैक साइड पे, तो मुझे साउंड आ जाता है, लेकिन उसको जो है ना बैक से पड़ जाएगी दूसरे स्क्वाड से। गाड़ी आती है ना, मुझे साउंड आता है यहाँ पे गाड़ी आई है। ये गाड़ी वाला स्क्वाड जो है इसके दूसरे टीममेट को डाउन कर देते हैं। हाँ ये वाला दूसरा जो बंदा है ना, ये LSP पता नहीं क्या है, इसको वो डाउन कर देते हैं। और ऐसे मुझे भी मेरा किल मिल जाता है, 8 किल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हो जाते हैं। फिर हम वही बांदरों की बांदर की तरह ऊपर छत पे चढ़ते हैं कि यार बंदे सपोर्ट किए जाए सामने वाली साइड पे। सामने वाली साइड पे बंदे होते हैं, मैं बैठ के उनको देख रहा होता हूँ, इतफाकन पीछे की तरफ देखना होता है तो एक बंदा वो भी मुझे सपोर्ट कर लेता है, लेकिन उसका जाहिर बात है ये नोक हुआ तो उसका टीममेट भी वहाँ पे होगा, तो उसका टीममेट जो है ना पीछे से मुझे भी फायर देगा, काफ़ी अच्छा स्प्रे देता है। 1 HP होता हूँ तो मैं साथ ही अंदर घुस जाता हूँ, बच जाता हूँ यहाँ पे, हील वगैरह करता हूँ यहाँ पे फिर से। और जोन के बाहर होता है, मुझे इतना आइडिया है था कि ये जोन के बाहर, तो जोन में तो उससे आना ही आना है। मैं हील वगैरह करके ना तो उसका वेट कर रहा हूँ कि जोन अभी आने लगा है तो ये लाजमी ओपन भाग के आएगा। मैं यहाँ पे आके बैठता हूँ, TPP लेता हूँ, तो वो बंदा मुझे सपोर्ट हो जाता है। वो सामने ऊपर रिज से आ रहा है, एक बंदा तो मुझे सपोर्ट हो जाता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि एक ही है ज़्यादा, मतलब और भी कोई इसका टीममेट है। तो जैसे ही वो ओपन में आता है ना, फिनिश कर देता हूँ। यार 10 किल मेरे हो जाते हैं, तो 10 किल होते हैं। एक इस रिज के ऊपर भी फायर देर होता है इस रिज साइड से, तो मैं यहाँ पे आके अपनी जो है ना लूट वगैरह करता हूँ बाहर। अभी कैंपर बने हुए हैं, फुल टाइम कैंपिंग करके बैठे हुए हैं, लेकिन मैं इसको भी नोक करके यहाँ पे ना, बल्कि आखिरी होता है फिर ट्रैक फिनिश हो जाता है। अब यहाँ पे जाके मैं लेट के हील वगैरह करता हूँ, मेरे पास लूट भी पूरी है, लेकिन वो कहते हैं ना हवस की पुजारी, बस लूट के चक्कर में ना मैं क्रेट पर लेता हूँ, वो लूट कर रहता हूँ इतनी देर में। ओपी जोकर भाई मुझे सपोर्ट कर लेते हैं और वहीं पर मुझे जो है ना नोक एंड फिनिश कर देते हैं। टीममेट भी मेरा पास होता है, लेकिन टीममेट इतना एक ठंडा होके खेल रहा होता है कि उसे पता ही नहीं चलता मुझे कहाँ से पड़ी है। अभी आप ज़्यादा यहाँ से खेलने वाले थे या इनका मतलब इंटरनेट का जो भी सीन है कैसा चल रहा था। तो वीडियो कैसी लगी है यार, चिकन डिनर तो नहीं हुआ लेकिन मुझे गेम प्ले काफ़ी अच्छा लगा। मैंने कहा यार आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पसंद आती है तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।